मून मिशन से चांद के इस अंधेरे हिस्से में क्या खोजना चाहता है भारत, आइए जानते हैं। 22 अगस्त 2023 की बात करते हैं, चंद्रयान 3, 22 अगस्त 2023 मंगलवार, चंद्रयान 3। इसरो की तरफ से कहा गया है कि मून मिशन के लिए भेजा गया चंद्रयान 3 का लैंडर। चंद्रयान 3 23 अगस्त 2023 की शाम को किसी भी वक्त चांद की सतह पर सफलतापूर्वक उतर सकता है। इसकी लैंडिंग का समय शाम के 6:04 है। हालांकि लैंडिंग का ऑटोमेटिक समय में थोड़ा सा बदलाव हो सकता है। बता दें कि भारत ने चांद के लिए अपना चंद्रयान 3 और रूस ने लूना 25 भेजा था, लेकिन लूना 25 चांद की सतह से टकराकर क्रैश हो गया। ऐसे में अब पूरी दुनिया की नजर भारत के चंद्रयान 3 पर टिकी है। अगर भारत का चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चांद पर उतर जाता है तो भारत चंद्रमा के साउथ पोल दक्षिणी पोल पर उतरने वाला पहला देश बन जाएगा, जो कि बन चुका है। चंद्रयान 3 जो है सफलतापूर्वक लैंडिंग कर चुका है। अब सवाल यह है कि आखिर चांद के दक्षिण ध्रुव या चांद के साउथ पोल दक्षिणी छोर में ऐसा क्या रहस्य है कि वहां दुनिया के सभी देश पहुंचना चाहते हैं? क्या है चांद के दक्षिणी ध्रुव में? बता दें कि चांद का दक्षिणी ध्रुव बिल्कुल पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव जैसा ही है। जिस तरह पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका में है और सबसे ठंडा इलाका है, ठीक उसी तरह चांद का दक्षिणी ध्रुव भी सबसे ठंडा इलाका माना जाता है। कोई भी अंतरिक्ष यात्री अगर चांद की दक्षिणी ध्रुव पर खड़ा होगा तो उसे सूर्य क्षितिज की रेखा पर नजर आएगा। चांद के दक्षिणी ध्रुव का ज्यादातर हिस्सा अंधेरे में रहता है, क्योंकि इस क्षेत्र तक सूरज की किरणें तिरछी पड़ती हैं। एक कारण ये भी है कि ये इलाका चांद का सबसे ठंडा इलाका है। आइए बात करते हैं क्या बर्फ से ढका है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑर्बिटरों से जो परीक्षण किए गए उसके आधार पर यह कहा जाता है कि चांद का दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल बर्फ से ढका हुआ है। और बर्फ होने का मतलब है कि दूसरे प्राकृतिक संसाधन भी हो सकते हैं। दरअसल अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के एक मून मिशन ने ईयर 1998 में दक्षिणी ध्रुव पर हाइड्रोजन के होने का पता लगाया था। नासा के अनुसार हाइड्रोजन की मौजूदगी इस क्षेत्र में बर्फ होने का सबूत देती है। क्यों मुश्किल है ये मिशन? दरअसल वैज्ञानिक के मुताबिक चांद की दक्षिणी ध्रुव पर बड़े बड़े पहाड़ और कई गड्ढे हैं। यहाँ सूरज की रोशनी भी बहुत कम होती है। चांद के जिन हिस्सों पर सूरज की रोशनी कम पड़ती है उन हिस्सों का तापमान आमतौर पर 54 डिग्री सेल्सियस तक होता है, लेकिन जिन हिस्सों पर रोशनी नहीं पड़ती जैसे दक्षिणी ध्रुव, वहाँ तापमान माइनस यानी 248 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। क्या है चंद्रयान 3 का मकसद? चंद्रयान 3 का पहला टारगेट तो विक्रम लैंडर को चांद की सतह पर सुरक्षित सॉफ्ट लैंडर कराना है, जो कि सक्सेसफुली हो चुका है। चंद्रयान 3 का दूसरा मकसद प्रज्ञान रोवर को चांद की सतह पर चलाकर दिखाना है। और इसका तीसरा मकसद यह है कि वहां पहुंचने पर वैज्ञानिक इससे जुड़े हुए तमाम तरह के परीक्षण कर सके। ये इसका तीसरा मकसद है। मिशन पर कितना होता है खर्च, आइए जानते हैं। जब मून मिशन प्लान किया जाता है तो अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने के साथ ही उनके लिए पीने का पानी, भोजन, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर भी भेजने होते हैं। दरअसल पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचाने वाला उपकरण जितना भारी होता है उतनी ही ज्यादा जरूरत रॉकेट और ईंधन भार की होती है। विशेषज्ञों के मुताबिक चंद्रमा पर 1 किलोग्राम पेलोड ले जाने के लिए लगभग $1 मिलियन खर्च होता है। यहाँ तक कि 1 लीटर पीने का पानी ले जाने में भी $1 मिलियन का खर्च होता है। अब जबकि रूस का लूना 25 क्रैश हो गया है, ऐसे में पूरी दुनिया की नजर भारत के चंद्रयान 3 पर है। 23 अगस्त को यह मिशन इतिहास रचने वाला है, जो कि रच चुका है। सो गाइस, कैसी लगी आपको इन्फॉर्मेशन चंद्रयान 3 के बारे में? और यदि आप भी जो है बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो इसी तरीके की और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए, तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि जितनी भी सारी वीडियोज आने वाले उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाए। सो यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।